ऑन किया है। हाँ सो जो मेरा जिम है वो मेरे घर से 3-4 किलोमीटर के दूरी में है एंड आई हैव टू ऑप्शन, एक कि मैं स्कूटी से चले जाऊँ वहाँ पे, या दूसरा ऑप्शन है कि आई गो देयर बाय वॉकिंग और जॉगिंग एंड आई यूजुअली टेक द सेकंड ऑप्शन बिकॉज आई फील कि उससे एटलीस्ट 2-4 कैलोरीज और बर्न होती है। तो एक बहुत अच्छी खबर आई है, अभी फ़ोन आया मुझे कि आज क्लास है नहीं, क्लास कैंसिल हो गया है। लेकिन इतने गलत टाइम पे फ़ोन आया कि मैं अपने घर से बस 2 मिनट के रास्ते पे हूँ एंड मैंने अपना जिम भी आधा छोड़ दिया और मैं सब भाग भाग कर इतने दूर आ गया एंड अब मुझे फ़ोन आ रहा है कि आज क्लास है नहीं। लेकिन पहले बता दो यार, बच्चा इतना मेहनत कर रहा है, इतने सुबह सुबह भाग भाग कर जा रहा है जिम, फिर भाग भाग कर आ रहा है, लेकिन एक बार बता देते पहले ही। चलो कोई नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मेरी क्लास ऐसे भी 11 बजे से थी एंड अभी ऑलमोस्ट 10 बज रहे, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता। सो यार इट्स फाइन, अब मेरे पास ज़्यादा टाइम भी होगा टू गेट रेडी एंड टू गेट फ्रेश। सो उसके बाद हम धीरे धीरे आराम से चलेंगे बाहर जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ आज। सो लेट्स गो। हेरी, ओह माय गॉड हेरी, आ जाओ अंदर आओ। आई एम रेडी एंड अभी मैं 2-3 मिनट में यहाँ से निकलूंगा। अभी करेंटली बज रहे हैं ऑलमोस्ट 2 o'clock। मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है एंड मैंने अपना लंच भी कर लिया है अपेरेंटली। ऊपर से वेदर एकदम से अजीब सा हो गया है, आज बारिश होने वाली है शायद लग रहा है। आई एम गोइंग आउट राइट नाउ। ऑल्सो मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं जैसे कि आप देख सकते हो, क्योंकि जो मैंने पुराने कपड़े पहने थे वो उसमें ठंडी लग रही थी थोड़ी सी एंड हवा चल रही एकदम से। सो अभी मैं निकलने वाला हूँ, स्कूटी से जाएंगे। तुम्हारे पर ये पूरा जिम्मा है, कैमरा पकड़िए आप, ठीक है? चलो शुरू करें, शुरू करते हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे एंड द प्लेस जो मैप जिसकी बात कर रहा था इतने टाइम से वो है। सो यार जिस प्लेस की मैं बातें कर रहा था, एक्चुअली ये प्लेस है, इस प्लेस का नाम है फरी टेल्स, ये लखनऊ में है गोमती नगर। इट्स द फर्स्ट पेट फ्रेंडली कैफे इन इंटायर लखनऊ एंड इफ यू नो मी यू नो दैट आई एम अ ह्यूज लवर ऑफ पेट्स, डॉग्स, कैट्स एंड ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मुझे इस कैफे में बहुत टाइम से आना था एंड अभी मुझे टाइम मिला है सो आई एम हियर। मैंने अपना ऑर्डर कर लिया है, सो जब तक फूड आता है आई विल गो एंड प्ले विद द डॉग्स। What's his or her name? Hachi. Hachi? Hi, Hachi. Her? She? Acha, male. Hi, Hachi. And what's her name? Zar. He's Sare also male. Male. Sare male. Sare male. Oh. Ye puppy is husky? No. Lasapso. What? Lasapso. Oh. Nice. ये कैसे बैठा है? कम हाँ इट्स ओके। हाउ ओल्ड इज ही? 1 year 3 months. ओह बहुत बड़ा लगता है। ऋषभ इज हैविंग अ लॉट ऑफ फन। मेरे को लेकर आना।
करना चाहिए था। एग्रेसिव तो नहीं है वो? मेरा कुत्ता मतलब हाँ भी नहीं भी मतलब बट इज वेरी एक्टिव। हस्की के लिए वो क्या बोलते हैं जो टेम्परेचर होता है वो उसका वो जाता है ये ना क्यों भाई जार। अरे उसने भी तो लिया है गौरव तनेजा ने देखा है हाँ हाँ वो कितना प्यारा लगता है लेकिन वो सुस्त है काफी माऊ बीच में हो क्या हो गया जार बैठो तो आज से निशान वही बैठ जाएगा तुम्हारी जगह पे आप इधर आओ उसके ऊपर बैठा लिया क्या होगा भूख लग रही है उसको बाहर जाने ओए चुटकू इधर आओ आप चुटकू इधर आओ इट्स लिकिंग माय फेस हेलो ये कैसे बैठा है इसको देख फूड आ चुका है सो हम पहले फूड खाएंगे थोड़ा बहुत क्योंकि नहीं तो फिर ठंडा हो जाएगा। हमने हनी चिली पोटैटो ऑर्डर किया है क्योंकि मैं अभी डाइट पे हूँ सो आई हैव अ ब्लैक कॉफी। ऑल्सो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट और जो मैंने अभी नोटिस किया वो है कि दे हैव टू मेन्यूज। एक मेन्यू में दे हैव रिटन लाइक ह्यूमन जिसमें आपको अपने खाने की चीज़ें मिलेगी चाउमीन वोमिन है लाइक योर रेगुलर मेन्यू जो भी होता है तुम्हारा। जो दूसरा मेन्यू दे प्रोवाइड इज अ डॉग मेन्यू जिसमें तुम्हारे डॉग के लिए फूड है लाइक इफ यू हैव अ डॉग यू कैन कम विद देम एंड यू नो they will have their food and all. It's a very cool idea and काफी मस्त है। चांद अगर मैं नहीं होता तो पता भी नहीं चलता ना इस बारे में मतलब इस प्लेस के बारे में और अगेन अगर तुम नहीं होते तो मैं आ भी नहीं पाता यहाँ पे। एक साथ बात चल रहा था इसके बारे में लेकिन मैं बहुत मतलब यू नो बहुत मन था मेरे यहाँ आने का। जाने का मन नहीं कर रहा ना प्लान बना तो तुम्हारे साथ आए गुड हुआ अच्छे से क्योंकि बहुत बाल है ऑन किया है। हाँ मेरा जो डॉग है उसको पार्वो हुआ था पार्वो डिजीज होता है ओ ये भी छोटा था मैं हाँ हाँ छोटे में होता है वो बच्चों को ये तो क्या किस्मत थी जो बच गया वही किस्मत होता है एक तो हमारी मर गई ओ रॉटवेलर रॉटवेलर हाँ यही पर थी ये आए एक हफ्ते बाद ही आए हम ये खरीदा हाँ वो फैल जाता है हाँ पूरे में ब्लीचिंग पाउडर ऊपर की जगह डलवाया ताकि इन्फेक्शन ना हो। जार जार ये किसको चाहिए आधा टग ऑफ और करते हैं आ जाओ खड़े होने ये भी खड़े होने आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ऐसे कहाँ अरे बाप रे पैर में लगी है क्या चलो बाय। So that was it for today guys. I hope you all like this video. If you did, give this video a big thumbs up and subscribe to my channel. Follow my friend and follow me on Instagram and I'll meet you guys next time and let me know aapko video kaisa laga in the comment section below. That's for it guys. Peace. Peace out.